मथुरा के राया में प्रवीण बने शिक्षक सभा के मंडल प्रभारी। राया में प्रवीण बने सभा के मंडल प्रभारी। समाजवादी पार्टी की नीतियों व विचारधाराओं को शिक्षकों और जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करने और पार्टी में आस्था को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी में प्रवीण कुमार बंटी चौधरी को आगरा मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इनके नियुक्त होने पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है, जिनमें जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा धर्मेंद्र सोलंकी, जावेद कुरेशी चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, किशन सिंह, नेताजी शिवचरण काका, हरिप्रसाद गंधार, पुष्पेंद्र सारस्वत, मांगेलाल चौधरी, हरिवंश, बीरू चौधरी, विनय कुमार, चंद्रवीर सिंह, मेहंदी हसन, नागेंद्र सिंह, चंद्रपाल, कोमल सिंह चित्तौड़िया, हैदर अली, श्याम मोहन वर्मा भट्ट, योगेश वाष्णे, सुभाष सैनी आदि हैं। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। राया में हो रहा है। आज हमारे बंटी भाई प्रवीण चौधरी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश नेतृत्व ने सौंपी है। इन्हें प्रदेश सचिव शिक्षक सभा तथा उसके साथ साथ ही मंडल प्रभारी आगरा का कार्यभार सौंपा गया है, क्योंकि प्रवीण भाई हमारे समाजवादी विचारों के बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व है तथा इनका राया में बहुत ही बड़ा कार्य है। बहुत युवा वर्ग इन लोगों के इनके व्यक्तित्व पे बहुत ही प्रभावित है। बीजेपी द्वारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया गया है उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बारे में क्या कहें? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया गया है उसमें जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ग्रीन एक्सप्रेस बनाया गया था उसकी अपेक्षा उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, उसे लेकर ये राजनीति हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस सभा बीएसपी और बीजेपी दावे कर रही है, ये जो देन है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ये जो है समाजवादी पार्टी की देन है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की थी और इसका जो शिलान्यास है केवल ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है केवल ये शिलान्यास करने वाली सरकार है। इन्होंने अभी तक कोई भी विकास का कार्य धरातल पर इनका नहीं उतरा है जो इनका अपना हो। केवल इनका नामकरण करना उसका या नाम चेंज करना केवल अपने नाम की पट्टी का लगाना ही इनका कार्य है। ये बताएं आज यहाँ सम्मेलन का आयोजन किया गया क्या है? आज राया में बधाई एवं सम्मान समारोह ये समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मानसिंह यादव जी के द्वारा हमें एक महती जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो हमें प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा और मंडल प्रभारी आगरा का दायित्व तो सौंपा गया है। और इसी संदर्भ में हमारे यहाँ शिक्षक बंधु राया क्षेत्र के सभी एकत्रित हुए हैं। सम्मानित माता बहनें और युवा शक्ति को हमने यहाँ आह्वान किया है कि 2022 के लिए परिवर्तन के लिए सकारात्मक परिवर्तन के लिए कमर कस लें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से समाजवादी का है, उस विकास के दौर का है जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के व्यक्ति ने देखा है और उसका लाभ प्राप्त किया है। क्या 2022 में सपा की सरकार बनेगी? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि आप कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, महंगाई की बात हो तो समाजवाद ये भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह का नैरेटिव प्रस्तुत करती है कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए तो वोट मोदी को देंगे। इसके पीछे इनका जो हिडन एजेंडा है वो ये है कि पहले से ही लोगों को तैयार किया जाए कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाए तब तक आपको आह नहीं भरनी है। लेकिन पेट्रोल कहाँ पहुंचा, 110 से पहले ही जनता ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब चुनाव में जिस तरह से करारी शिकस्त दी है, पेट्रोल के रेट तनिक ही कम किए सही लेकिन कम करने पर मजबूर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी और ये उपचुनाव का नतीजा था। और आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिला सम्मान का मुद्दा हो, अगड़े पिछड़े दलित और व्यापारी का और या महिलाओं का मुद्दा हो, सभी को सम्मान और उनके अधिकार देने वाली पार्टी केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी है। नया दायित्व मिलने के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो शिक्षकों के बीच हमें कार्य करना है
अधिक से अधिक शिक्षकों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ना है और साथ ही साथ जन जन नोएडा के